हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। इस वीडियो में हम बहुत अच्छी वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान सरस्वती विद्या मंदिर से आई है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, नया विज्ञापन जारी हुआ है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। साथ में ऑफिस असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसी है। परमानेंट जॉब रहेगी। सैलरी यहाँ पर 28,200 से लेकर 48,900 तक मिलेगी। बीएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। 29 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। सीटेट यहां पर नहीं चाहिए, तो इसीलिए ऑल कैंडिडेट जो है यहां पर एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने बीएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी किया है। तो यहां पर नोटिफिकेशन को अच्छे से जो है वो हम पढ़ेंगे, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और कैसे एप्लीकेशन करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। आचार्य चयन परीक्षा 2023 क्लास 1-5 पीआरटी के लिए यहां पर जो सब्जेक्ट हैं, तो यहां पर पीआरटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इसके लिए इन्होंने कहा है कि इंटर ट्रेंड विद रिलेवेंट सब्जेक्ट ट्रेनिंग। 12th के साथ में जो है वो आपने कोई रिलेवेंट सब्जेक्ट ट्रेनिंग किया हो, डीलेड किया है, बीटीसी किया है, बीएसटीसी किया है, जो भी आपने किया है, तो ये चीज यहां पर मांगी गई है। इसी तरीके से हिंदी में, संस्कृत में, मैथमेटिक्स में और साइंस में, कंप्यूटर में यहां पर 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर में। आचार्य चयन परीक्षा 2023 क्लास 6-10 टीजीटी के लिए यहां पर जो सब्जेक्ट रहेंगे, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत और कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट है और सभी में बीएड मांगा गया है। सीटेट की यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं कहा है कि सीटेट यहाँ चाहिए या कोई भी टेट चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो है वो बीएड होना चाहिए, साथ में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपने बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स किया हो, जैसे कि बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन कर पाएंगे, साथ में बीएड। मैथ के लिए करना चाहते हैं तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए, और बाकी जो है यहाँ पर बीएड मांगा गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर म्यूजिक के लिए जो है यहाँ पर अलग से कहा है कि प्रभाकर और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड चाहिए। संस्कृत के लिए जो है यहाँ पर बीए ऑनर्स संस्कृत से और साथ में बीएड। कंप्यूटर के लिए, टीजीटी के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बीसीए या इसके इक्विवेलेंट कोई ट्रेनिंग मांगी गई है। पीआरटी में अगर कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन करना है तो 2 साल का डिप्लोमा ही केवल मांगा गया है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पर पीजीटी वालों की, क्लास 11 से 12th को पढ़ाने के लिए कौन से सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है और फिजिक्स है। तो पीजीटी के लिए भी जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री प्लस बीएड मांगा गया है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर जो है आचार्य परीक्षा ऑफिस के लिए जो है यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की भी जो है वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर में मांगा गया है और साथ में जो है नॉलेज टैली की मांगी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए यहाँ पर जो हॉस्टल असिस्टेंट जो है उसकी भी वैकेंसी है, जहाँ पर ग्रेजुएशन और आपके पास जो है कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, एनी सब्जेक्ट ट्रेनिंग यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, तो ये जो है आप इन 2 वैकेंसी जो है इन पर भी ध्यान दें। अब देखिए एक और कटिंग जो कि एडवर्टीजमेंट की ही है, जहां पर आप लोगों को सैलरी जो है वो दिखाई देगी और ये भी मेन वेबसाइट पर ही जो है डाली गई है। शिशु मंदिर हेतु न्यूनतम योग्यता इंटर प्रशिक्षित डीलेड पीआरटी, पीआरटी के लिए यहाँ पर 5200, 20,200 प्लस 2800 ये पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जो है पीजीटी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 9300, 34,800 और 4800, यानी सैलरी के साथ में जो है वो आप लोगों को जो फंड वगैरह होते हैं वो भी मिलेंगे। उसके बाद टीजीटी के लिए यहाँ पर मानदेय है 9300, 34,800 प्लस 4600, ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए सैलरी जो है यहाँ पर 5200, 20,200 और 2800 प्लस। तो ये जो सैलरी के साथ में जो आप देख रहे हैं अलग से जो है आप लोगों को ये अमाउंट जुड़ के जो मिलेगा, तो ये क्या है, नीचे लिखा है ईपीएफ एंड ग्रेजुएटी की सुविधा, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, कर्मचारी भविष्य निधि, इसकी सुविधा भी जो है वो आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर लिंक जो है नीचे दिया हुआ है recruitment.lokshiksha.org.in, इस पर जाना है, आवेदन के
अंतिम तिथि 29 अगस्त है। लिखित परीक्षा, यहाँ पर आप लोगों की एक लिखित परीक्षा होगी जो कि 3 सितंबर होगी, यानी फटाफट से सारे काम होने वाले हैं। 29 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, एग्जाम होगा 3 सितंबर को ही हो जाएगा और इंटरव्यू रहेगा 10 सितंबर को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो आप कर दें, समय पर कर दें। फीस जो है आपकी यहाँ पर 300 रुपए जो है फीस लगेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो आप लास्ट 29 अगस्त तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फिल ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्टली, अच्छे तरीके से जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो भरनी है, सही सही भरनी है। अगर आपने जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तो कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट आपका फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है फिल वैकेंसी फॉर द ऑल ओवर नॉर्थ बिहार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। इनका उद्देश्य है कि जितने भी नॉर्थ बिहार में सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर स्कूल हैं, तो वहां पर वैकेंसी जो है इनकी द्वारा निकाली गई है, तो वो सभी जो है यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है कहाँ से आई है, लोक शिक्षा समिति बिहार, कमलबाग रोड, मुजफ्फरनगर। एप्लीकेशन कैसे करेंगे यहाँ पर, तो सभी पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए लास्ट डेट जो है वो 29 अगस्त रहेगी। यहाँ पर जो है सामने ही आपको नजर आ रहा है, अगर आप इंग्लिश के लिए पीआरटी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को अप्लाई क्लिक यहाँ पर करना है, अप्लाई पर। ये जो है पेज ओपन हो जाएगा, तो एप्लीकेशन कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पहले, फिर आप एक एक करके सारी चीजें भरेंगे, ठीक है। लास्ट में जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चूज फाइल, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपलोड फोटोग्राफ के लिए भी जो है यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, साइज मस्ट लेस देन 100 KB। लास्ट डेट जो है वो 29 अगस्त रहने वाली है, तो आप समय से पहले जो है वो एप्लीकेशन कर दे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को जो है इसकी जो मेन वेबसाइट है, कैसे जो है वो आप लोग मेन वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बाकी आप अभी फिर भी देख लें। आपको गूगल करना है लोक शिक्षा समिति .org.in, ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर ही जो है वो आना है, थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, सूचना पट व्यू ऑल जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो यहां पर आप लोगों को जो है रनिंग में दिखेगा, सबसे फर्स्ट ही दिख जाएगा आचार्य चयन परीक्षा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, तो ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट जो है वो आप एप्लीकेशन करें। इतनी अच्छी सैलरी के साथ मैं जो है वो आप लोगों को सारी सुविधाएं भी जो है इसी स्कूल के तहत आप लोगों को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा है, पसंद आया है, सही लगा है, आपके काम का है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें। जितनी भी वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, सभी जो है मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए लेकर आऊं टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द जॉब मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।